Hey dear students, welcome back to our YouTube channel Learners Square. MB Board के सभी students के लिए बहुत ही important news निकल के सामने आ रही है कि MB Board के class 10th का जो result है वो कब आने वाला है. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं session 2020-2021 में classes जो है COVID के कारण से सही ढंग से नहीं चल पाई थी, जिसके कारण से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी. और रिजल्ट कैसे बनाया जाए इसके लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो रिज़ल्ट बनने वाला है क्लास टेंथ का, वो उसमें 50% वेटेज जो है प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन से लिया जाएगा, 30% वेटेज जो है यूनिट टेस्ट पर आधारित रहेगा, और 20% वेटेज जो है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बनाया जाने वाला है. तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये निकल के सामने आई है कि जो क्लास टेंथ का रिज़ल्ट आने वाला है वो आने वाला है 14 जुलाई को अपराह्न 4 बजे. जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं कि जो एमपी बोर्ड का क्लास टेंथ का रिज़ल्ट है वो 14 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे घोषित किया जा रहा है. आप सभी अपने रिज़ल्ट को इन दी गई वेबसाइट के हिसाब जहाँ पर सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कि mprizal.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in, और तीसरी वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in, और नीचे भी कुछ वेबसाइट्स दी गई हुई हैं जैसे jagranjosh.com, aajtak.in, और कुछ indiatoday.in, कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं. इन वेबसाइट पर आप सभी सर्च करके अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं. तो बोर्ड द्वारा जो न्यूज़ आज आई हुई है वो न्यूज़ क्या है कि क्लास टेंथ का जो रिज़ल्ट है वो 14 जुलाई 2021 को अपराह्न 4 बजे घोषित किया जाएगा, और आप अपने रिज़ल्ट को इन दी गई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इसके साथ साथ ही लगभग 8 जुलाई को ही बोर्ड ने ये बता दिया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट से सहमत नहीं होता है, यानी कि वो अपने रिज़ल्ट से असंतुष्ट होता है, तो उसके लिए बोर्ड द्वारा एक एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट कराई जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन. जी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो स्टूडेंट 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ऑनलाइन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और उसकी एग्ज़ामिनेशन जो है बोर्ड के द्वारा 1 से लेकर 25 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी. अगर कोई स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट से सहमत नहीं होता है तो उसे 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसकी जो एग्ज़ाम है वो 1 से 25 सितंबर के बीच में कभी भी बोर्ड द्वारा करा ली जाएगी. अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट जुलाई एंडिंग में आने वाला है, और इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा. तो जो 12वीं का रिज़ल्ट बनने वाला है वो बनने वाला है 10वीं में आपको जो मार्क्स आए थे उसके बेसिस पर, 10वीं के नंबरों से सब्जेक्ट के मुताबिक 12वीं का रिज़ल्ट तैयार होगा. यदि किसी स्टूडेंट को मुख्य विषय में नंबर कम आते हैं, या यूँ कहें सबसे कम आते हैं, तो अगर मुख्य विषय में रिज़ल्ट नंबर कम आए हैं तो रिज़ल्ट नहीं ख़राब बनाया जाएगा, रिज़ल्ट सही बनाने के लिए तीसरी भाषा का मदद ली जाएगी, और उसके बेसिस पे रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा. तो आज का न्यूज़ ये है कि क्लास टेंथ का जो रिज़ल्ट है, तो एमपी बोर्ड का रिज़ल्ट देखने के लिए आप मोबाइल ऐप्स पर भी अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं. जैसा कि ये दिया गया है बोर्ड द्वारा, इसी में गूगल प्ले स्टोर पर MPBSC मोबाइल ऐप अथवा MP मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, एवं नो योर रिज़ल्ट का चयन करने के बाद अपना रोल नंबर इंटर करना है, फिर आपका आवेदन क्रमांक इंटर करना है. उसके बाद जैसे ही आप ये आवेदन क्रमांक इंटर करेंगे आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं. बाकी कोई भी अपडेट बोर्ड द्वारा आती है तो आपको चैनल पर तुरंत अपलोड करा दी जाएगी. वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.